नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगेन हम चैट जीपीटी के साथ कुछ पूछने वाले हैं, पूछताछ करने वाले हैं कि चैट जीपीटी कहाँ तक जान सकता है, क्या जानता है और कैसे हमें वो प्रोवाइड करता है, राइट? देखो, चैट जीपीटी जो कुछ भी बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक तो 100% सही बताता है, और जो उसे नहीं पता, वो जो नहीं बताना चाहता, कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, वो हमें शेयर ही नहीं करता। लाइक आप किसी MBBS की थ्योरी पूछोगे तो वो आपको एक्सप्लेन कर देगा, एक HTML कोड चाहिए तो आपको दे देगा, बट चोरी कैसे करना है या फिर हैकिंग कैसे करनी है वो सब आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट? देखो दोस्तों, आज हम चैट जीपीटी को रिलीजन के बारे में, जो हमारा हिंदू धर्म है, उसके बारे में पूछने वाले और जान के लेने वाले हैं कि चलो चैट जीपीटी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है एक चीज़ के लिए, जो हमें विद इन अ 1 मिनट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो वो हमारे रिलीजन के बारे में क्या जानती है। तो उसी दौरान मैंने सर्च किया ओल्डेस्ट रिलीजन, तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे ये सर्च किया कि ओल्डेस्ट रिलीजन क्या है। तो दोस्तों, मैंने 2 से 3 बार चेक किया और उसमें मुझे ये पता चला कि ऑफकोर्स पहले तो ये बताया गया है कि किसी रिलीजन को डिटरमाइन करना कि वो कितना पुराना है, वो उसके क्या बोलते हैं कि उसके कुछ चीज़ें जब मिलती है तो उसके ऊपर जब हम स्टडी करते हैं पता चलता है कि ये इतना इतना पुराना है, तो जो हमें एविडेंस मिलते हैं उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा रिलीजन पुराना है। तो दोस्तों, हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ये पहली सेंटेंस। देखो दोस्तों, चैट जीपीटी को भी पता है कि हिंदुइज्म ये सबसे पुराना रिलीजन है, तो दोस्तों क्यों झगड़ने की जरूरत है कि हमारा पहले है तुम्हारा पहले। दोस्तों, बहुत सारे एविडेंस जो मिले हैं वो हिंदुइज्म को दर्शाते कि हाँ ये सबसे पुराना है, एंड उसके बाद बहुत सारे रिलीजन के बारे में बताया गया है कि ये भी ओल्डेस्ट है, इसके बाद ये सब भी रिलीजन आए, बट सबसे पहला रिलीजन हमारा हिंदुइज्म था। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि राम गॉड के बारे में बताइए कि राम कौन है। चैट जीपीटी को पता होना चाहिए, जो हमारे भगवान, जो हमें हम उनको आइडियल मानते हैं, वो हमारे राम, सीता, लक्ष्मण, सुना होगा रामायण के राम, यस डेफिनेटली, जिनकी अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हुई। सो द हिंदुइज्म, देखो उन्होंने एकदम सही तरीके से बताया कि लॉर्ड राम इज द कंसिडर एज द इनकर्नेशन ऑफ द गॉड विष्णु, मतलब विष्णु जी का वो एक अवतार थे, राइट? राम इज द सेंट्रल फिगर इन द हिंदू, बराबर, हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे राम है वो हमारे सेंटर दिखाया गया है, वो हमें बताया गया। रामायण के बारे में ये सब, रामायण के बारे में कुछ स्टोरी बताइए कि राम जी का और लाइक उच्चार कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, और उनकी स्टोरी क्या है, किस द्वारा हमें पता चला कि राम जी कौन है, एंड वो। बाद में मैंने सर्च किया अवतार ऑफ विष्णु, विष्णु अवतार हमारे अभी 10 है, राइट? सबसे पहला मत्स्य जो फिश अवतार था, कूर्मा मतलब टॉर्टोइज, कछुआ बोलते हैं उसे, वर्मन में वरह, उसके बाद नरसिंह, उसके बाद वामन, उसके बाद परशुराम, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, ये सब फॉर्म हमें चैट जीपीटी ने बताया। दोस्तों, चैट जीपीटी को भी पता है, हम लिटरली, मुझे ये वीडियो का आज का क्या है ना कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को पता है कि कौन सा रिलीजन सबसे पहले आया है, वो रिलीजन ने लोगों को क्या सिखाया है और उसका महत्व क्या है। तो हम हमारे रिलीजन को नहीं जान के लेंगे तो दोस्तों दूसरी दुनिया उसका उपयोग करके अपने, उनके जो रिलीजन है या फिर उनके जो कुछ भी पॉलिटिक्स या फिर उनके कुछ भी जो गोल्स है वो अचीव करेंगे, बिकॉज हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में वो ताकत है, वो किसी और में नहीं है, वो मैं बता सकता हूँ। तो आज के वीडियो का यही मेरा मोटिव था कि आपको पता चले कि चैट जीपीटी भी जानता है कि सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन क्या है। सो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ, और होप सो आप सब खुश हो अपने धर्म को लेकर कि हम हिंदू है, रहेंगे और बचाएंगे। सो
थैंक यू सो मच दोस्तों।